दोस्तों, अगर जुलाई के महीने में आप कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपको जुलाई में घूमने के 5 सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा 5वां स्थान है केरल। केरल मोहित कर देने वाली सुंदरता, बैकवाटर और लेगुन हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ नारियल के कई सारे पेड़, हाथियों से भरा यह राज्य एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाता है। खास तौर पर वेकेशंस मनाने के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आपको केरला पहुंचना है तो बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों में से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो यहाँ के 3 प्रमुख एयरपोर्ट है, जिनमें से तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो केरल में लगभग 200 रेलवे स्टेशन है, जो केरल के भीतर और बाहर दोनों जगह से जुड़ा हुआ है। अगर आप केरल बाय रोड आ रहे हैं तो केरल की सड़कें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। केरल में आपको कहां कहां घूमना चाहिए? थलाशेरी, थट्टेकर, बर्ड सेंचुरी, पलक्कड़, इडुक्की, कोन्नूर, वैक्कोम, तिरुप्पू फॉल्स, अगस्त्यमाला, कुमारकोम, मुन्नार जैसे कई जगहों पर आप घूम सकते हैं। हमारा 4था स्थान है ऊटी। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, खुशनुमा वातावरण, शांत मौसम और यात्रा करने के लिए कई सारे दर्शनीय स्थल मौजूद है। हमने ऊटी के ऊपर एक डेडिकेटेड पर्सनल वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ऊटी पहुंचना कैसे है? ऊटी जाने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन और बस तीनों विकल्प चुन सकते हैं। ऊटी का सबसे पास में एयरपोर्ट है कोयम्बटूर, जहाँ से ऊटी 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से ऊटी आना चाहते हैं तो इसका सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेट्टुपलियम, जो कि ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां बस या टैक्सी के माध्यम से ऊटी पहुंच सकते हैं। अगर आपको रोड के माध्यम से ऊटी आना है तो नेशनल हाईवे ऊटी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बेंगलोर से कई सारी लग्जरी बसें चलती हैं, जिससे आपको ऊटी आने में सिर्फ 7 से 8 घंटे लगेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप ऊटी की डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। हमारा 3रा स्थान है कोडाईकनाल। तमिलनाडु राज्य में पलानी पहाड़ी में स्थित दक्षिण भारत का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ की कोहरे में ढकी खूबसूरत पर्वत संग्रहालय, घाटियाँ और सुंदर झीलें पर्यटकों को कोडाईकनाल की ओर और भी ज़्यादा आकर्षित करती है। आपको बता दें कि कोडाईकनाल पहुँचना कैसे है? बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों में से आप किसी भी विकल्प से जा सकते हैं। अगर इसके पास के एयरपोर्ट की बात करें तो मदुरै एयरपोर्ट, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप यहां के स्थानीय साधनों से कोडाईकनाल पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कोडाई रोड, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन से आप कोडाईकनाल बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोडाईकनाल बाइक, कार या बस से जाना है तो आप बाय रोड आसानी से कोडाईकनाल जा सकते हैं। कोडाईकनाल में आपको कहां कहां घूमना चाहिए? कुरिंजी अंदवर टेम्पल, कॉकर्स वॉक, बरियंत पार्क, पिन फॉरेस्ट, गुना केव, कोडाईकनाल लेक, वटक्कनाल वाटरफॉल, पिल्लर रॉक्स रोड, अपर लेक व्यू, मोयर पॉइंट जैसी बहुत ही खूबसूरत जगहों पर आप घूम सकते हैं। हमारा 2रा स्थान है गोवा। गोवा भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में आता है। यहाँ की नाइट लाइफ, बीचेस, डीजे क्लब्स एंड ड्रिंक्स यहाँ की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो यह यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। गोवा में आप अंजुना बीच में पार्टी, कोडोलिम बीच में सिंगिंग और डांसिंग और टीटो क्लब में पैकसेट, साथ ही आप यहाँ के बीचेस पर फोटोशूट, रील शूट कर सकते हैं। यहाँ के बैकग्राउंड्स आपकी वीडियो और रील्स में 4 चांद लगा देंगे। आपको गोवा पहुँचना कैसे है? को बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय रोड तीनों माध्यम यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है दाबोलिम एयरपोर्ट, जहाँ से आपको 29 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो गोवा रेलवे बेंगलोर से जुड़ा हुआ है और दिल्ली से 1874 किलोमीटर की दूरी पर है।
मार्गो और वास्को डी गामा गोवा के दो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। आप बाय रोड भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको लो बजट में यहाँ घूमना है तो आप स्कूटी किराए पर लेकर यहाँ की आसपास की जगहों पर ट्रेवल कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि गोवा में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। कलंगुट बीच, बागा बीच, अगुआदा किला, वेकटर बीच, दूधसागर फॉल्स, पंजिम गोवा का। हमारा पहला स्थान है लोनावला। पर्यटक स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और यह एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। लोनावला बारिश के मौसम में लोगों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। लोनावला हिल स्टेशन 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि आप पुणे और मुंबई के आसपास किसी पर्यटक स्थल की तलाश कर रहे हैं जहां आप जुलाई में घूम सके, लोनावला से बेस्ट स्टेशन आपके लिए नहीं हो सकता। यह जगह पुणे से 67 किलोमीटर और मुंबई सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोनावला में घूमने लायक कुछ जगह: भजा गुफाएं, राजमोची पॉइंट, लॉयंस पॉइंट, लोहागढ़ किला, करनाला बर्ड सेंचुरी, कुणे फॉल्स, पावना झील, टाइगर पॉइंट, करला केव्स। लोनावला में आप बंची जंपिंग का लुफ्त भी उठा सकते हैं। यह 150 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ है जो कि 7 से 10 मिनट तक रहता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय है इसकी हरियाली और खूबसूरत झरनों का नज़ारा देखने के लिए। मॉनसून के समय लोगों को यह जगह काफ़ी आकर्षित करती है। जुलाई में घूमने के लिए इन 5 जगहों में से आपको कौन सी सबसे अच्छी जगह लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।